शेरा, तुम नारंगी लाल को और देशराज को जानते हो? हाँ सरकार, थोड़ा बहुत जानता हूँ। इन दोनों के आपस में लड़ाने के पीछे किसी तीसरे का हाथ है और मुझे उस आदमी का नाम चाहिए। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम शालिनी के कुछ साथी महिला और युवतियों से मिलने गई थी ना? वो सभी महिलाएं साथ देने को तैयार है। फिरोज भाई से मेरी मुलाकात हो गई है, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा आप केवल आदेश दीजिए, मैं पूरी फौज लेकर उतरता हूँ। हाँ मोहन, शालिनी के हमलावर गिरफ्तार होने ही चाहिए। केवल गिरफ्तार नहीं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखा आंटी, शालिनी की ताकत, और यही ताकत शालिनी को और मजबूत करेगी। आप देखना आंटी, हमारी एकजुटता पुलिस को भारी पड़ेगी। फिर भी मैं कह रही हूं कि शालिनी के पापा से बात कर लो। विवेक जी उनसे सलाह मशवरा कर लेंगे। आंटी, वो काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों से सहमत हूं। थैंक यू आंटी। अभी हम लोग मिलकर आगे का प्लान बनाते हैं और मैं सभी मेन लोगों को फोन करके उनकी बैठक बुलाता हूं। अच्छा आंटी, फिर हम चलते हैं। अरे मैं भी आ रहा हूं। अरे हेरो, कमाल है, मुझे अकेले ही छोड़कर जा रहे हो? चलो मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। आता हूं। संजय, तुम तो शालिनी के बारे में जानते ही हो। हाँ जानता हूँ, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। शालिनी जी हमारी सीनियर थी। मैं शालिनी पर हुए हमले के बारे में कह रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, समाचार पत्र के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली है। अब शालिनी जी की हालत कैसी है? हालत तो ठीक है, लेकिन एसिड के हमले से शालिनी का चला झुलस गया है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट की सलाह ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहन भाई। वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, अब तक तो खैरियत ही है और आगे भी रहेगा। बोलिए कैसे याद किया आपने? फिरोज भाई, ये है संजय। संजय, ये है फिरोज भाई। फिरोज भाई। भाई आप अपने कॉलेज में स्टूडेंट के नेता रह चुके हैं। मतलब अब भी हूँ? मेरा मतलब अब भी हो, लेकिन। लेकिन क्या? लेकिन अब तुम सीनियर हो। वो तो हूँ, मगर अपना ही पैनल वहाँ अभी भी दौड़ता है। हाँ ये मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। क्यों भाई, चुनाव लड़ने का इरादा है क्या? नहीं फिरोज भाई, अब बोरिस। नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। शालिनी के हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मैंने कई स्टूडेंट और नेताओं से बात की है और महिलाओं में भी जंग जागरूकता जारी है। तो आप कहिए हमें करना क्या है? हमें पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठानी होगी ताकि शालिनी के हमलावर जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सके।
तो कहो कब मोर्चा आगे बढ़ाना है? मैंने तुम्हें और संजय को आज केवल सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। समय आने पर आप लोगों से मैं संपर्क करता हूं। फिर भी मोहन जी, एक निश्चित समय तो बताइए। ये समझो इसी सप्ताह में कभी भी। ठीक है भाई, हमें आपके फोन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। चलिए ठीक है, फोन तो संपर्क में रहूंगा। चले चलो। हेलो। हाँ भाई, बोला ना कि काम हो जाएगा आपका। सरकार, रंगे राव और देशमुख आया हुआ। बुलाऊंगा। हाँ भाई, काम हो जाएगा। जब मैंने एक बार कहा तो काम हो जाएगा तो हो जाएगा। रखिए फोन। सरकार की जय हो। सरकार की जय हो। और नारंगी लाल और देशराज, आइए बैठिए। सरकार, आपका बुलाव मिलते ही मैं दरबार में हाजिर हो गया। ओ सरकार, मैं भी। तनिक धीरज भी रखो। गजराज सरकार से कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती है, समझे? सरकार, मैं देशराज को पहले से कह रहा था। क्या कह रहे थे? उल्टा तुमने मामला भड़का दिया। देखो देशराज, तुम अब भी पारा चढ़ा के बात कर रहे हो। मैं चढ़ा के बात कर रहा हूँ? हाँ तुम। चुप, चुप हो जाओ दोनों जन। जानते हो ना इस वक्त कहाँ बैठे हो, समझे? हाँ सरकार। माफी चाहता हूँ सरकार। मैं एक एक से बात करूंगा और सही सही बोलना, वरना। हाँ सरकार। नारंगी लाल, तुम बतलाओ मामला कहाँ गड़बड़ा गया? सरकार, जब से शालिनी पे हमला हुआ है माहौल पूरा गर्मा गर्म हो चुका है। मैंने अपने एरिया और आसपास के इलाकों के सभी धंधे ठप करा दिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन देशराज ने अपने कुछ ठेके चालू रखे थे। ये झूठ बोल रहा है। मैंने तुम्हें कहा ना देशराज, बीच में नहीं बोलने का। कौन का रंगीला? सरकार, जब मैंने इस बारे में देशराज से बात की तो कहने लगा कि मैंने शहर के कुछ बाहर धंधे चालू रखे हैं। मैंने कहा कि जब प्रदेश में माहौल गर्म है तो मुझसे वो उल्टी बातें करने लगा। नारंगी लाल, तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं सरकार। और देशराज, तुम, तुम्हें कुछ अपनी सफाई में कहना है? सरकार, मैंने ऐसी कोई उल्टी बात नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरा एक ठेका शहर के बाहर जो है जो चालू है। तो फिर? बस सरकार, नारंगी सेठ मुझ पे भड़कने लगे। मेरा भी पारा चढ़ गया और मैं भी कुछ बोल दिया। देखो नारंगी लाल और देशराज, यह दोनों आपस का मामला था। यह बात यहां तक नहीं आनी चाहिए थी। एक तो शालिनी का मामला वैसे भी अभी बहुत गर्म है और उसके चलते मेरा दिमाग वैसे भी बहुत खराब है। यह बात आगे नहीं आनी चाहिए, समझ गए तुम दोनों? जी सरकार। जी सरकार। अब चलो जाओ।
नौटंकी बात कही के चेला रावण आओ जा बेटे बेटे, क्या बात है? तुम लोग परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? अरे साईं, परेशान नहीं होंगे तो क्या तालियां बजाएंगे? अरे सब कारगर तो आपने टप कर दिया है। मैंने? और आपका कारोबार? दयाराम जी, आप तो जानते हैं हम आप जैसे बड़े बिल्डर नहीं हैं। पर मार्केट में भी हमारी कोई इज्जत है? शहर में हादसा क्या हुआ? आप तो गायब भी हो गए। चेला रमणी, शांत हो जाइए। मैं मेरे काम के लिए बाहर गया था, अब आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? इतना दिन हमारे जो नुकसान हुआ उसका क्या होगा? देखा हो जा, कारोबार में तो नफा नुकसान होता ही रहता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे कारोबार की वजह से आप जैसे लोगों की रोजी रोटी चले। मतलब आपका कहना क्या है? क्या तुम हमें भूखे समझते हो? अरे नहीं नहीं आओजा, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गए। तो सही क्या है? देखिए चेला राम जी आओजा, मैं बाहर जाते वक्त विवेक को आप दोनों के काम के बारे में पूरी जानकारी देके गया था, और कैशर को भी बताया था कि आपको बार बार समय पर पेमेंट करता है। आप जब से गए तब से आपका लड़का मिला ही नहीं, और ना आपके कभी कैशियर के दर्शन हुए। विवेक विवेक विवेक, इसमें तो मेरे नाक में दम कर रखा है, ना ऑफिस में ध्यान देता है ना घर में। देखिए दयाराम जी, आप गुस्सा मत कीजिए, हमारा नुकसान मत कीजिए। साईं, अब तो हमें ऐसा लग रहा है। क्या लग रहा है? तो किसी और बिल्डर के साथ काम करना होगा। सही कह रहे हो चेला रमणी। देखिए दयाराम जी, बस उसे हम आपके साथ है, और उसका इनाम हमें क्या मिला? देखिए ये सब विवेक की वजह से हुआ। विवेक पर काम के जिम्मेदारी सौंप कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आपके बातों पर विश्वास करना ही होगा, लेकिन आज के बाद? नहीं नहीं, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। चलो ठीक है, हम चलते हैं। विवेक भी है ना? हेलो हेलो गीता, कहाँ हो तुम? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। हेलो अर्जुन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। गीता कहाँ हो तुम? हाँ अर्जुन, हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है, अब बोलो क्या कह रहे थे। अरे मैं कह रहा था कहाँ हो तुम। अर्जुन तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ मैं सुन रही हूँ। गीता मैं तुमसे अर्जेंट मिलना चाहता हूँ। अर्जुन मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती। पर क्यों? अरे मैंने कहा ना मैं तुमसे आज नहीं मिल सकती। अरे गीता ये क्या नहीं नहीं का नारा लगा रखा है यार। वो क्या है ना अर्जुन, आज मेरे घर में लड़का आ रहा है। लड़का? कौन लड़का, क्या नाम है उसका? मुझे क्या पता, मुझे बस इतना पता है कि कोई लड़का घर आने वाला है। अरे गीता
पर ये सब इतना अर्जेंट कैसे हो गया? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था कि घर में आकर मम्मी पापा से मिलो, लेकिन तुम ना। गीता, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या मुंह लेके तुम्हारी मम्मी पापा से मिलने आऊं मैं? अरे पढ़े लिखे हो, नौकरी का क्या है, आज नहीं तो कल लग जाएगी। लेकिन छोकरी अगर वो चली गई, हाथ नहीं आएगी तुम्हारे। गीता, क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो तुम? वैसे समय अभी है तुम्हारे पास। मतलब? मतलब ये है कि जो लड़का है ना। हाँ, वो लड़का? वो लड़का मेरा भाई है। क्या क्या कह रही हो तुम? मतलब तुमने मुझे उल्लू बनाया? ठहरो, अभी आता हूँ मैं वहाँ। शुक्र है अभी तुम्हें सिर्फ उल्लू बनाया है, वरना। वरना क्या करोगी? वरना ये कि तुम ना हाथ मलते रह जाते। ठहरो, अभी के अभी तुम्हारे घर आता हूँ मैं। क्यों, मेरा हाथ मांगने या मम्मी पापा का आके पैर दबाने? गीता की बच्ची, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। हाय, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे ना छोड़ो। अरे गीता, तुम समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? तुम्हारा सर, मैं नहीं जानती कुछ भी। तुम मुझसे अभी मिलो।